नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अगस्त का सिर्फ आखिरी हफ्ता बचा है, लेकिन मॉनसून का आपातकाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से आफत ऐसे बरस रही है कि आधा हिंदुस्तान पानी पानी है। इस वक्त देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन कई राज्यों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोगों की जान पर बनाई है। ऐसा ही हाल गुजरात में देखने को मिल रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें गुजरात की हैं, जहां एनडीआरएफ की टीम लोगों को बाढ़ से बचाने में जुटी है। राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इतना ही नहीं, बाढ़ में बह जाने से अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें से 6 लोगों की डूबने से मौत हुई, जबकि 3 लोगों की मौत घर गिरने की घटनाओं से हुई, जबकि 78 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया है। अभी भी कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए जगह जगह एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। गुजरात के मोरबी जिले के चिकाली गांव में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 30 लोगों को बचाया गया, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण बाढ़ में बह गए थे। बाद में इन लोगों को जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है। गुजरात के राजकोट में बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। राजकोट में स्वामी नारायण मंदिर के पिछले हिस्से में बाढ़ की लहरें तांडव मचा रही हैं। मंदिर का काफी हिस्सा बाढ़ की लहरों में डूब चुका है। इसके साथ ही यहां कई बांधों में पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गुजरात के कच्छ में सैलाब का सितम लाखों लोग झेल रहे हैं। मकान, दुकान, खेत खलिहान सब बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। पाटन के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद राष्ट्रीय आपदा राहत बल ने लोगों को बचाने का काम शुरू किया। मौसाड़ा, पाटन, सूरत, कीर, सोमनाथ, साबरकांठा, अहमदाबाद, गांधीनगर, अरावली और सुरेंद्र नगर जिलों के हिस्सों में रविवार सुबह से बहुत भारी बारिश हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक कई जिलों में निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। गुजरात में औसत सालाना बारिश में से अब तक 90% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। इसमें से आधी से ज्यादा बारिश अकेले अगस्त में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बांधों में जल भंडार सकल भंडारण क्षमता के लगभग 62% तक पहुँच गया है। कच्छ में अब तक औसत सालाना बारिश में से 159.12% बारिश हुई है। इसके बाद सौराष्ट्र में 121.60%, दक्षिण गुजरात में 83.40%, पूर्वी मध्य गुजरात में 69.58% और उत्तरी गुजरात में 67.87% बारिश हुई। मौसम विभाग ने सोमवार तक गुजरात में बारिश होने का और कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।